द्रुक के गयानगर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने व वार्ड में एक स्थायी पुलिस व्यवस्था की मांग को लेकर वार्डवासियों ने कोतवाली थाने का घेराव किया। इस दौरान पहुंचे लोगों ने महिला के द्वारा परेशान होकर फांसी पर झूल जाने का कारण बताया। दुर्ग के कोतवाली थाना अंतर्गत बीते दिन गयानगर निवासी एक महिला मंजू निर्मलकर ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। शुक्रवार की सुबह महिला को फांसी पर लटका देखकर घर वालों ने कोतवाली थाने को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर पंचनामा करवाया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय मंजू निर्मलकर दो बच्चों की माँ थी। उसका पति डोमन लाल निर्मलकर केबल ऑपरेटर का कार्य करता है, जिसमें वार्डवासियों ने बताया कि मोहल्ले में मंजू के साथ दो दिन पूर्व किसी से विवाद भी हुआ था। इस बात को लेकर वार्ड वासियों ने शनिवार को दुर्ग सिटी कोतवाली थाना का घेराव कर नाराजगी जाहिर की और गयानगर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने व वार्ड में एक स्थायी पुलिस व्यवस्था कराए जाने की मांग की। इस संबंध में वार्ड वासियों ने और थाना प्रभारी विजय यादव ने प्रतिक्रिया दी। हमारे मोहल्ले मुक्तिधाम गयानगर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह से हम यहाँ थाना पहुँचे हैं और थाना प्रभारी से उसकी जांच की मांग की है कि ये आत्महत्या किस कारण से की है। इसमें जांच जांच पूरा होने पर जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे मोहल्ले में पुलिस गश्त कड़ी की जाए। मंजू निर्मलकर जो आत्महत्या करके जो ख़त्म हुई है, वो शादी में गए हुए थे। वहाँ से वापसी में आने के बाद में गाली गलौज करने से वो सिर्फ इतना ही बोली कि लेडीज़ लोग खड़े हैं, गाली गलौज मत करो, बस उतना ही करी। उसके बाद गाली गलौज करने वाले तथा कथित सचिन नागरे, ये लड़के मंजू निर्मलकर को ही गाली गलौज करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे और तुम लोग क्या हो, कैसे हो, सब जानते हैं, तुम्हारा चरित्र क्या है सब तुम्हारा जानते हैं, यहाँ पर क्या क्या होता है सब जानते हैं, है ना। मुक्ति धाम गार्डन में के अंदर मंदिर है, वहाँ पर महाआरती होता है, महाआरती के आड़ में यहाँ पर क्या होता है, दुनिया भर के गाली गलौज करने के बाद में गाली दे रही है ऐसे करके उसी को ही बोली। और ये होने के बाद में वो मंजू निर्मलकर तो बहुत सीधी साधी लड़की थी, अब वो दिमाग में ले ली, उसके बाद फिर वो शांत रहने लगी और दो दिन के अंदर में ये किसी को शिनाख्त होने नहीं दी और आत्महत्या कर ली। भाई वो जो आरोपी है उसको तो सजा मिलना ही चाहिए। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गया नगर है, राजीव नगर है, वहाँ के जो स्थापित मुक्ति धाम है, मैदान है, गार्डन है, उसमें शाम को असामाजिक तत्व लोग बैठे रहते हैं। आसपास के लोगों को परेशानी होती है करके महिलाएं और पुरुष आके उनके संदर्भ में बात रखते हैं अपनी। उनको यही बताया गया कि शाम के वक्त और सुबह के वक्त को पेट्रोलिंग अच्छे तरीके से की जाएगी और आसपास के जो ऐसे बदमाश मिलते हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और 112 का पॉइंट को भी जो वहाँ है गाड़ी है तो भी इन चीज़ों पे वसी के लिए देख रेख के लिए नियंत्रण के लिए रखेंगे करके बताए हैं। और एक दो दिन पहले एक मर्ग कायम हुई थी जिसमें एक अन्य व्यक्ति जिसके संबंध में ये कहा जा रहा है इनका कि इनके द्वारा वाद विवाद किया गया था जिसके कारण ये चीज़ें घटना हुई है करके, तो उस संबंध में सारे तथ्यों को उचित तरीके से जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट।